खबर है आजमगढ़ के अतरौलिया से, जहां बता दें कि बिजली चेकिंग अभियान के दौरान चोरी कर रहे 10 लोगों के ऊपर हुआ FIR। बता दें कि उपकांड अधिकारी ब्रजेश कुमार व विजिलेंस टीम के संयुक्त नियुक्ति से अतरौली बाजार में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 45 घर में विद्युत कनेक्शन जांच किए गए, जिसमें 15 लोगों के विद्युत भार व कटगरी के परिवर्तन किया गया जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं 50,000 रुपए की वसूली भी की गई। चेकिंग के दौरान 10 चोरी के कनेक्शन पाए गए जो मीटर बाईपास कनेक्शन चलाए जा रहे थे, उनके ऊपर FIR भी किया गया। कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हाई लाइन लॉस वाले फीडर हैं उन पे रेड कार्यक्रम किया जाए, चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे उस फीडर के लाइन लॉस को और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम किया जा सके। इसी के संबंध में हम लोग आज विजिलेंस टीम के साथ अतरेट मार्केट में चेकिंग अभियान चलाए थे और उस चेकिंग अभियान में लगभग 40 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें से 10 को मीटर बाईपास करके चोरी करते हुए पाया गया, जिसकी FIR दर्ज कराई गई। और ऐसे 15 कनेक्शन थे जो गलत विधा में यूज कर रहे थे, उनकी विधा को परिवर्तन किया गया। ये चेकिंग अभियान कब तक चलेगा इसके बारे में बता दीजिए। जैसा कि स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हाई लॉस फीडर वाले हैं उन पे लगातार अनवरत चेकिंग। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए पब्लिक वाइज पर।